देखो तुम पे विश्वास करके तुमको काम पे रख रहे हैं, लेकिन काम कर पाओगे ना टाइम पे? क्योंकि इस काम में समय की बहुत कदर है। अगर समय पे काम नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलता इस काम में, बता दिए। और अगर इस काम को तुम समय पे खत्म नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ तीन चीज होगा। पहला, तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। दूसरा, तुम हमसे गाली खाओगे। तीसरा, कस्टमर से तो अलग गाली खाओगे। ये याद रखना, जब भी कस्टमर ऑर्डर लिखाएगा उसके 30 मिनट के अंदर वो कद्दूपुर के किसी भी कोने में हो, वहाँ पर तुमको पिज्जा पहुँचा देना है। लेट नहीं होना चाहिए, काहे कि 30 मिनट से लेट हुआ तो कस्टमर पैसा नहीं देगा। और अगर कस्टमर पैसा नहीं दिया तो वो मेरा नुकसान होगा। मेरा नुकसान मतलब तुम्हारा नुकसान, ये याद रखना। सेठ जी, हमारा नाम काला कद्दू है, आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हम बहुत वफादार आदमी है और टाइम का भी पक्का है। आपका काम 30 मिनट या 20 मिनट में कर देंगे, खाली चाबी तो दीजिए। कौन सा चाबी चाहिए तुमको? अरे सेठ जी, गाड़ी का चाबी और किस चीज का चाबी? पिज्जा डिलीवर्ड कैसे करेंगे बिना गाड़ी का? अभी तुमको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा, काहे कि तुम अभी नया काम पकड़े हो, तुम्हारे पर विश्वास नहीं है गाड़ी लेके भाग गए तो। दूसरा बात कि अगर तुमको हम गाड़ी दें, कल को तुम एक्सीडेंट कर दिए, तुमको चलाने आता है नहीं आता है वो भी हमको देखना है। तीसरा बात, ये कद्दूपुर बहुत छोटा जगह है, हर जगह गाड़ी लेके जाने का क्या जरूरत है? कहीं इमरजेंसी होगा तो हम अपने बताएंगे कि गाड़ी लेकर जाना है या नहीं जाना है। ऐसे तुमको सब जगह पैदल पहुंचाना है पिज्जा, काहे कि 2 महीने हम तुमको चेक करेंगे कि तुम काम सही से कर रहे हो या नहीं। और ऐसे भी कद्दूपुर बहुत ही छोटा सिटी है, यहाँ पहुंचाने के लिए तुमको गाड़ी का भी जरूरत क्या है? पहले पैदल पहुंचाओ, अच्छा लगा गाड़ी देंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो गाली देंगे, समझे? और ये साला हमको गाली देगा बोल रहा है। ये काम हम पकड़े ही थे इसीलिए कि हमको गाड़ी चलाने को मिलेगा, पापा हमको गाड़ी नहीं दिला रहे थे। लगता है हमको गाड़ी खरीदने के लिए स्किल क्लास पे गेम्स ही खेलना होगा। घोड़ा कद्दू सही बोला था, स्किल क्लास पे गेम्स खेलो और पैसा कमाओ। दोस्तों आपको नहीं पता स्किल क्लास के बारे में? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बस गूगल पे टाइप करो www.skillclass.com, जहाँ पर तुम 8-ball, पूल, रमी, कैरम और लूडो जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी फ्री में। यही सोच रहे हो ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकाले? तो फटाफट ट्रांसफर करो UPI और अमेजन पे में। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। और अभी स्किल क्लास पर 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो वेट किसका कर रहे हो? तुरंत स्किल क्लास पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइस जीतने का भी मौका मिलता है, है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन में कमेंट है, अभी जाओ खेलो। और सबके घर जाएंगे, घूमेंगे, कई लोग के यहाँ तो जाएंगे तो लड़की सब भी मिलेगी, क्योंकि पिज्जा तो लड़की लोग मंगाती है ज्यादा, उस लोग से भी मिल लेते इसी बहाने। लेकिन ये हमको बोला पैदल पहुँचा सबके यहाँ। अब हम इसका काम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पापा से लड़के आए कि हम जाएंगे पैसे कमा कर दिखाएंगे। अब यहाँ करना पड़ेगा काम मजबूरी में, पैदल ही जाना होगा सब जगह, और क्या करेंगे? चलो कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे करना होगा, धीरे धीरे मक्खन लगा लगा कर बॉस को पटा लेंगे हम। और अगर काम अच्छा से करेंगे तो बॉस तो अपने आप पट जाएगा हमसे। अच्छा सुनो, अभी हम जा रहे हैं घर, किसी का फोन आएगा तो ऑर्डर ले लेना और उसके बाद पिज्जा पहुंचा देना, ठीक है? हेलो, कौन? हेलो, पिज्जा घर से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं, बोलिए। ऑर्डर लिखाना है? नहीं नहीं, हम लोग को कोई भी ऑर्डर नहीं लिखाना है, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो लिखवा देंगे। ऐसे क्या चीज का ऑर्डर मांग रहे हैं? मसाला वसाला का क्या? अरे हम ऑर्डर नहीं मांग रहे हैं, बुढ़बक हो क्या तुम? हमको ऑर्डर लिखाना है पिज्जा का। ओ अच्छा अच्छा, आपको सर पिज्जा का ऑर्डर लिखाना है, माफ कीजिएगा हम समझे नहीं, कहे क्या बढ़िया से हमको समझा नहीं पाए ना। अरे इसमें समझाने जैसा है क्या जो हम तुमको समझाएंगे बेवकूफ आदमी? ऑर्डर लिखो। देखिए सर, तमीज से बात कीजिए, हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ का नौकर है, आपका नौकर नहीं है जो आप हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हम भी एक कार्टून है जैसे आप एक कार्टून है, हम चाहते तो आपको बोल सकते थे कार्टून जात, नहीं ना बोले तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम बकवास मत करो, ऑर्डर लिखो 3 पिज्जा का। और ये बताओ, 1 पीस पिज्जा कितने का पड़ेगा? 150 का पड़ेगा। अच्छा बताओ, 5 लोग हैं, 3 पीस में हो जाएगा ना? देखिए सर, हम आपका पेट तो कभी चेक नहीं किए कि आपका पेट है या कुआं है, ऐसे अगर चाहिएगा तो 1 पीस में भी 5 लोग खा लेगा। अब आपके पेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका पेट कितना बड़ा है। अरे हमारा पेट वैसे ही है जैसे तुम्हारा पेट है, नॉर्मल इंसान है हम भी, हम कोई पहलवान नहीं है जो 10 पिज्जा एक बार में खाएंगे। हम बस ये पूछ रहे हैं कि सही ढंग से अगर आदमी खाए पिज्जा तो 5 लोग खा लेगा ना 3 पिज्जा में से, काहे कि हम फर्स्ट टाइम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, इससे पहले हम कभी पिज्जा खाए नहीं है, घर पे बच्चा लोग जिद किया तो मंगवा रहे हैं। देखिए सर, हम भी कभी पिज्जा नहीं खाए हैं तो आपको कैसे बताएं, हम नौकर आदमी है, हम लोग के भाग्य में सिर्फ गाली होता है मालिक लोग का। और अगर आप लोग जैसा कस्टमर लोग को लेट से पहुंचाए तो आप लोग भी गाली देते, पैसा काट लेते, हम लोग गरीब आदमी लोग का क्या करें बताइए सर, हम लोग गाली खा सकते पिज्जा नहीं। देखिए जैसे अब हमको अभी ऑर्डर लिखा है, अगर मान कर चलिए हम 2-4 मिनट लेट कर दें पिज्जा पहुँचाने में तो आप तो पैसा नहीं दीजिएगा, गरीब आदमी का पैसा खा लीजिएगा, गाली दीजिएगा सो अलग। और उसके बाद क्या होगा, मालिक हमारा तनख्वाह काट लेगा और गाली देगा,
ऐसा आदमी नहीं है कि 5-10 मिनट लेट हो जाएगा तो तुम्हारा पैसा काट लेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी फैसिलिटी दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। काहे कि हम लोग किसी का हक नहीं मारते है बाबू। जिसको किसी का हक मारना होता है वो लोग ये सब काम करता है। कंपनी अपना अच्छा सर्विस देता है और लोग इसका गलत फायदा उठाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तुम 5-10 मिनट तुमको लेट होता है तो ये मत सोचना कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम आराम से आओ। काहे कि आज भी कद्दूपुर में हर आदमी बेईमान नहीं है, कुछ ईमानदार है। तो एक काम करो बाबू, 3 पीस पिज्जा लेके आओ और अपना पैसा लेके जाओ, और उसमें से तुमको कुछ मिले तो तुम भी पिज्जा खरीद के खाओ, ताकि आगे कस्टमर को बता पाओ कि 3 पिज्जा में से 5 लोग खा सकता है। एड्रेस लिखो, कचरे की दुकान नाली के बगल में और हमारा मकान पड़ोस वाली के बगल में। ठीक है सर, लिख लिए, लेकिन ये बताइए पड़ोस वाली का मकान कहाँ है। अरे वो हमारे बगल में है ना, तुमको इतना बढ़िया से एड्रेस समझाए, आ जाना तुमको मिल जाएगा हमारा एड्रेस। और सुनो, पिज्जा हमको चाहिए, पड़ोस वाली को नहीं, उसका एड्रेस मत पूछो, नहीं तो मोटकी खा जाएगी हमारा पिज्जा। लेकिन याद रखना 5th फ्लोर पे हमारा घर है। अरे हम तो 7 मिनट पहले ही पहुंच गए, अब आराम से पहुंचा देंगे, अब हड़बड़ नहीं है, लिफ्ट में चढ़ते हैं तुरंत पहुंच जाएंगे। खाली भगवान साथ दीजिएगा लिफ्ट चले, काहे कि अगर सीढ़ी से जाएंगे तो 5वां फ्लोर है, वहां तक जाने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। अरे साला क्या गजब लड़की है रे, ये तो मलाई लग रही है मलाई, साथ में पिज्जा सामने मलाई, मुंह में तो पूरा पानी आ गया रे। ये जॉब तो बड़ा अच्छा है, हम सोचे थे कि लड़की लोग से मिलेंगे पिज्जा के बहाने, ये तो पहले ही दिन हमको लड़की मिल गई, इसको तो पहुंचाना भी नहीं पिज्जा, देखो कैसे मिल गई हमको लिफ्ट में अकेले। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हम इससे कुछ बात करें, हम दोनों का दोस्ती हो, इसीलिए तो लिफ्ट में खाली हम दोनों हैं और मेरे हाथ में पिज्जा, लड़की लोग को बहुत पसंद आता है पिज्जा। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पिज्जा पसंद है? अरे लड़की जवाब कर नहीं दे रही है, हमारा इंसल्ट हो रहा है। अरे हमारा फ्लोर आ गया, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, ऐसे भी चाचा बोले हैं कि अगर लेट भी हो गया तो भी चलेगा। अभी हम इस लड़की का घर देखेंगे, ये किस फ्लोर पे उतर रही है, फिर इसको अपना पैसा से खरीद कर पिज्जा खिलाएंगे, पटा के रहेंगे इस लड़की को हम। काहे कि काला कद्दू को बहुत मजा आता है चैलेंज में, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा नहीं। ये लड़की हमको भाव नहीं दे रही है ना, इसको इतना पटाके इतना पटाके तो मेरे आगे पीछे घूमेगी। पिज्जा दे दी ना सर, पैसा दीजिए। लेट हो गया बाबू, अब पैसा नहीं मिलेगा, 30 मिनट के अंदर पहुँचाना था ना पिज्जा, 40 मिनट हो गया अब। अरे सर 10 मिनट तो लेट हुआ, ज्यादा कहाँ लेट हुआ है, आप तो फोन पर भी बोले थे कि लेट होगा तो कोई बात नहीं, हम किसी का हक नहीं खाते हैं। अरे ये सब हम तुमको कब बोले थे, हम तुमको फोन किए और 3 पीस पिज्जा का ऑर्डर लिखा है, बस क्या बकबक कर रहे हो, हम पागल है जो ये सब बोलेंगे? कौन पागल आदमी होगा जो 450 रुपए का पिज्जा मंगवाएगा और ठंडा खाएगा? अरे पागल तो हम है जो तुम्हारा बात पर विश्वास कर लिए फोन पर, अब यहाँ पर झूठ बोल रहा है कि हम तुमको कब बोले, अपना मुँह से बोला था शरम करो नहीं तो मुँह में कीड़ा पड़ेगा तुम्हारा, साला तुमको फ्री में खाना था तभी तुम इतना नाटक किया हमारे साथ फोन पर, इमोशनली हमको बुड़बक बना दिया, बोल रहा था कद्दूपुर में अभी भी ईमानदारी बचा हुआ है, हम ईमानदार है, हम किसी का हक नहीं खाते हैं, तुम साले पिज्जा खाता है वो भी फ्री वाला, हक नहीं खाता आराम खोर। देखो बेटा, इस दुनिया में जितना भी कार्टून जिंदा है ना, वो सबको एक दूसरे का हक मार के ही खाता है, लेकिन ये बात तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम भी जब छोटा थे ना तो हमको भी ये बात समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारा बाबूजी हमको बहुत बार समझाया, लेकिन हमको बचपन में समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे हम बड़ा हुए हमको सब समझ में आ गया कि इस दुनिया में जिंदा रहना है तो हक मारो और जिंदा रहो, क्योंकि तुमको अपने हक का कोई नहीं खाने देगा, इसीलिए दूसरे के हक का खाओ। तो अब पिज्जा दे दिए ना तो यहाँ से जाओ, लेकिन ये सुन के जाओ, जो बातें मैंने अभी तुमको बोली ना, ये बातें तुमको किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में मिलेगी तो तुमको सिर्फ ईमानदारी, लेकिन असली दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता है बेटा, नहीं भरता है, अपना पेट भरने के लिए सब लोग एक दूसरे को गिद्ध की तरह नोचते हैं, ये बात तुमको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम तुमको पैसा नहीं दिए तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची होगी, और अब जब तुम अपने मालिक के पास जाओगे और वो तुम्हारा तनख्वाह काटेगा और तुमको गाली देगा, तब तुम्हारे दिल को और भी ज्यादा ठेस पहुंचेगी, और जितनी ज्यादा ठेस पहुंचेगी तुम्हारे दिल को उतना ही ज्यादा बड़ा तुम मक्कार बनोगे और हमारी तरह बहुत सारा हड़प के खाओगे। ताकि देखो बेटा, समझा रहे हैं, तुम्हारा बाप नहीं है लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, इतना बात समझाने का भी लोग पैसा लेता है, लेकिन हम तुमको फ्री में समझा रहे हैं, समझ में आया क्या? देखो अगर ये तुमसे पिज्जा हम खरीद के खाते तो एक बार खाने के बाद हम जरूर बोलते कि बेकार में 450 रुपया खर्चा हो गया कुछ ही मिनटों में, इससे बढ़िया तो दाल रोटी बना के खा लेते, और देखो हड़प के खाने के बाद अंदर से एक खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, और ये भी नहीं कहेंगे कि 450 रुपया बर्बाद करके खाया, और उसके बाद इच्छा होगा तो दाल रोटी भी बना के खा लेंगे, कहे बेटा समझ में आया क्या? अरे साला आराम को, चुप, हमको क्या अंदर है, क्या अंदर हमको, फोन पर ईमानदारी का बात कर रहा था, यहाँ पर हमको उल्टा ज्ञान
हमरा पैसा दे दो, नहीं तो तुम जानते नहीं हम कौन है, हम काला कद्दू है। ऐसा ग्रहण है ना, जीवन में लग जाएंगे ना तो जीवन में फ्री खाने का सोच भी नहीं पाओगे तुम। अरे भागे ऐसे भागो, तुमसे साला तमीज से बात कर रहे तो तुम फटानी दिखा रहे हो। जूता खोल के मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा, निकलो अपना घर से, बताएंगे ना किसी भी पब्लिक को तो मार मार के तुम्हारा हड्डी तोड़ देगा। एक तो लेट से पिज्जा पहुंचाते हो, ऊपर से फुटानी दिखाते हो, फुटानी निकल। अभी तो जा रहे बेटा, लेकिन तुम ये याद रखना कि आज के बाद तुम पिज्जा नहीं खा पाएगा। ऑर्डर तो दो बेटा कहीं भी तुम पिज्जा का, हमको अगर पता चल गया ना तो उसमें मिला कर देंगे जहर। एक बार खाएगा ना फ्री का, जीवन भर के लिए फ्री हो जाएगा तुम साले। हमको बेवकूफ बनाया ना साले, हमको दिखाएंगे तुमको हम। पिज्जा देकर आए ना, पैसा दो। अरे उस साला हमारा पैसा खा गया, पैसा नहीं दिया हमको, गाली देके भगा दिया और ज्ञान दे रहा था बड़ी का, बोलता रख के खाओ रख के खाओ। अरे तुम टाइम पे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? नहीं 10 मिनट लेट हो गए थे, लेकिन वो हमको फोन पर बोला था लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, हम ईमानदार आदमी हड़प करने खाते हैं। अरे साले तुमको समझाए थे ना टाइम पर पहुंचाना है, ग्राहक का बात नहीं सुनना है, जो हम सुनाए वो सुनो, ग्राहक का बात सुनता है। पहला दिन में तुम नुकसान करवा दिया, तनख्वाह तो अब तुम्हारा काट ही देंगे लेकिन तुमको आज छोड़ेंगे नहीं। और देखो उसके पैसे भी आ गए, आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ और अभी साइन अप करो।